तो अगर आप सांवले हैं तो चिंता मत करो, आप दुनिया में चल सकते हैं। मेरा चेहरा सुंदर नहीं हो तो क्या हुआ, मैं काम सुंदर करूंगा और दुनिया में महान बनूंगा बनूंगा बनूंगा। मैंने कहा भगवान 3 पेज की डायरी देता है, कितने पेज की? देखो भाई एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी को बोलेंगे ना भाई साहब आपका चेहरा बड़ा सुंदर है, तो जरा बताएंगे इसमें किसकी तारीफ होगी? अब आप बताओ किसकी? उसकी मम्मी पापा थी, वो दोनों गोरे थे तो वो गोरे हो गए, वो दोनों सांवले होते तो सांवले हो जाते। और आपको पता है आपने बड़ी आलीशान कोठी बनाई है 5 करोड़ रुपया खर्च करके, और लोग जब देखने आते हैं तो पहला प्रश्न पूछते हैं और भाई साहब कोठी बड़ी सुंदर बनी, आर्किटेक्ट कौन है? यानी आपके तो किया गया पानी में और सीधा नाम आता है। अच्छा किसी महिला की साड़ी बहुत सुंदर हो तो पता है लोग सीधा यही पूछते हैं साड़ी किस दुकान से लाया? साड़ी में आपकी तारीफ नहीं, अपने आपने 10,000 की साड़ी पहनी है तो उसकी तारीफ है जिसने साड़ी, महिलाओं को वैसे साड़ी बड़ी 20 साड़ी। अभी मैं बेंगलोर में थे हम लोग, तो एक बहन जी प्रवचन में बैठे थे, मैंने यूं ही खड़ा किया और मैंने पूछा बहन जी आपके पास कितनी साड़ियां हैं? तो कहा बाप जी करीबन 700-800 साड़ियां। कितनी? अमीर घराने की महीन थी, 700-800 साड़ियां। पीछे उसकी सहेली खड़ी हुई, बाप जी झूठ बोल रही है इसके पास 1,000 से ज्यादा। मैंने कहा एक काम करो ना नियम ले लो, 2 साल तक साड़ी नहीं खरीदूंगी। कहा बाप जी मेरी सांस ले लो पर साड़ी नहीं छोड़ सकती। बड़ा लोभ होता। एक बार हम लोग पूना में गुजर रहे थे, आपको पता है पूरे देश में साड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट है कहां है, उस एरिया का नाम क्या है? भुसुंडी जो भी नाम है। ये सब लोग हमारे साथ थे, हम इन्हीं के ऑफिस में विहार करके रवाना हुए थे बेंगलोर के लिए। तो इतना बड़ा साड़ियों का मार्केट बताया गया, अगर आपको 1 करोड़ साड़ियां चाहिए तो वहां पर एनी टाइम मिल जाएंगी। ये जो गांधी मैदान का ये बना हुआ है ना, ऐसे तो इतने बड़े बड़े तो वहां पर साड़ियों के शोरूम बने हुए, मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट। क्यों जी? तो हम चल रहे थे तो हमारे आगे आगे एक महानुभाव चल रहे थे, उम्र रही होगी कोई 50-55 साल के, मतलब बाल धोड़े हो ही रहे थे, बस चालू थे उनके बाल धोड़े होने, और वो बीच बाजार में चल रहे थे हमसे आगे और अपनी पत्नी के हाथ में यूं हाथ डाल के, कैसे कैसे आप डाल के देख लो ना खुद के, ऐसे हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे और यूं बड़े यूं चल रहे थे, हम पीछे चल रहे थे। हमने कहा यार आदमी बड़ा रंगीन है, बाल धोड़े हो गए पर अभी भी यूं हाथ में हाथ डाल के सड़क पे चल रहा है, और हम थोड़ी तेज गति चलते हुए आगे आए। पीछे मुड़ के देखा तो आदमी परिचित निकल गया, है बाप जी है बाप जी है बाप जी। मैं कह है बाप जी छोड़, पहले बता यार तू भरे बाजार में तेरे बाल धोड़े हो गए हाथ में हाथ डाल के चल रहा है। बाप जी कहीं बताऊं, देखो कुछ ज्यादा ही प्यार व्यार आ रहे हैं बाप जी, प्यार व्यार तो कहीं अवे बाप जी, कहीं बताऊं बाप जी कोई प्यार व्यार नहीं है, साड़ी दुकान में ना घुस जाए ना हाथ पकड़ चल रहे हो बस, बाकी सावधान रहना आप त्रिपुरिया से गुजर रहे हो और आपका पति हाथ में हाथ डाले समझ लेना मन में खोट है। तो एक बात तय है कि भौतिक वस्तुओं की जब भी तारीफ होती है तो उस तारीफ में आपका कुछ नहीं होता। मैंने कहा इंसान जब जन्मता है तो पहला पन्ना जन्म का होता है, वो डायरी का जो ईश्वर लिखता है। मैंने कहा पहला पन्ना जन्म का है तो सोचो अंतिम पन्ना क्या है। अब बोलो बोलो बोलो, बुद्धि लगाओ, यूं लटक के मत बैठो, चार्ज रहो, मिट्टी की मूर्ति बनकर नहीं, एकदम चार्ज रहो। पाठशाला में स्कूल में बैठे आप, कॉलेज में बैठे हैं, हर समय आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप जरा बोलिए पहला पन्ना अगर जन्म है 3 पेज की डायरी का तो अंतिम पन्ना पक्की बात। तो 2 पन्ने तो भगवान ने अपने हाथ में ले लिए, 3 पेज की डायरी दी और 3 पेज की डायरी में 2 पन्ने तो हमारे हाथ से खिसक ही गए, अब बचा केवल 1 पन्ना। हाँ ईश्वर ने वो 1 पन्ना कोरा कागज हमारे नाम दे दिया और कहा जाओ बेटा पहला पन्ना मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम कहां जन्मोगे, कब जन्मोगे, कैसे जन्मोगे, किस घर वंश कुल परिवार में जन्मोगे ये मैंने तय कर दिया है, तुम कब मरोगे, कहां मरोगे, किस व्यवस्था से तुम मरोगे ये भी मैंने तय कर दिया है, लेकिन 1 पन्ना मैं खाली छोड़ रहा हूं और इस 1 पन्ने को तुम्हें जीवन की रंगोलियां बनानी है। क्या बनानी है? जीवन की रंगोलियां इसमें तुम्हें बनानी है और इस 1 पन्ने में तुम क्या लिखोगे ये मैं फैसला नहीं करूंगा। इस 1 पन्ने से ही तुम्हारा जन्म भी अगला तय होगा और तुम्हारा मरण भी अगला तय होगा। यही वो पन्ना है जो तुम्हारे अतीत को भी दिखाएगा और यही वो पन्ना है जो तुम्हारे भविष्य को सामने लाके खड़ा करेगा। कौन सा पन्ना? बीच का पन्ना। और इस पन्ने का नाम है, अगर पहले पन्ने का नाम है जन्म और अंतिम पन्ने का नाम है मरण, तो बुद्धि लगाओ बीच का पन्ना है उसी का नाम है जीवन।
और अब हम जो शुरू कर रहे हैं जीवन जीने की कला का पाठ, ये वही बीच का पन्ना है। अरे मेरे भाई, एक हम रंगोली बनाते हैं जो केवल दो दिन के बाद मटमैली होकर हवा में उड़ जाती है और धूल में धूमिल हो जाती है। उस रंगोली को हम कितने रंगों से सजाया करते हैं। एक दो दिन की बनने वाली रंगोली को हम रंग उछाल उछाल कर सजाया करते हैं, पर हमारी जिंदगी जो जिंदगी पर चला करती है, हम उसे कभी रंग से भरने की कोशिश नहीं करते हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी रेनबो कभी एक रंग से नहीं बनता। कोई ये सोचे लाल रंग रेनबो को बनाता है, गलत है। न लाल, न हरा, न पीला, न काला, न गुलाबी, न सफेद, ये कोई रंग किसी भी रेनबो को नहीं बनाते। रेनबो तब बनता है जब सारे रंग मिला करते हैं। जब हम दो दिन के बनने वाली रंगोली को इतना सजाया करते हैं, जरा सोचो, 60-60, 70-70, 80-80 साल तक चलने वाली जिंदगी को हम क्यों नहीं सजा पाते। जिंदगी न बन जाए बला, बोल लो सब, जिंदगी न बन जाए बला। एक बार और बोल लो, ताकि 50 दिन तक ये लाइन आपके दिलो दिमाग में घूमती रहेगी। और वो है, जिंदगी न बन जाए बला, उससे पहले सीख लें जीवन जीने की। पता नहीं कब बन जाए हमारी जिंदगी ये बला, उससे पहले हम सीख लेते हैं एक अच्छी मीठी मधुर जिंदगी जीने की कला। सुबह उठते हैं हम तो सबसे पहले एक दूसरे को बोलते हैं सुप्रभातम। क्या बोलते हैं? आओ हम जीवन जीने की कला का पाठ सीखते हैं। सुबह हम उठते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम का सु हमें कहता है जीवन हमारा सुंदर हो। दिमाग में ले लो, एक एक लाइन को आप दिमाग में ले लीजिएगा। सुप्रभातम का सु हमें कहता है हम सबका जीवन सुंदर हो। उसके बाद क्या है, सु के बाद क्या है, बोलो, सब बोलो। प्र, जो हमें कहता है हमारा जीवन प्रसन्नतापूर्ण हो। उसके बाद क्या है, भा, भा हमें कहता है हमारा जीवन भाग्यशाली हो। और उसके बाद क्या है, त, त हमें कहता है हमारा जीवन तनाव रहित हो। और अंतिम अक्षर है म, जो हमें कहता है हम सबका जीवन मंगलमय। सुप्रभातम की शुरुआत होती है जीवन सुंदर हो, प्रसन्नता पूर्ण हो, भाग्यशाली हो, तनाव रहित और मंगलमय हो। जो हम एक दूसरे को सुप्रभातम कहते हैं, कुछ मत कीजिए, अपने दिन की शुरुआत ही इसी से कीजिए। अपने हर दिन की शुरुआत अपने आप को मोटिवेट कीजिए, सुप्रभातम। बड़े मुस्कुराकर अपने आप को कहिए, दूसरों को बाद में कहिएगा रूम से बाहर जाने के बाद, या पत्नी को बाद में कहना नींद से उठने के बाद, पहले अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा, सुप्रभातम जीवड़ा, सुप्रभातम। तू अपने जीवन को सुंदर जीना, तेरा जीवन भाग्यशाली हो, तेरा जीवन तनाव रहित हो, तेरा जीवन मंगलमय हो, और तेरा जीवन हमेशा भाग्यशाली, तनाव रहित, मंगलमय और प्रसन्नतापूर्ण हो। जीवन जीने की कला जब हमें सीखनी है तो पहला मंत्र दिमाग में दे रहा हूं, और वो है, जिंदगी में कभी भी आह मत कहिए। जब भी कहते हैं वाह कहिए मुझे, जिंदगी में कभी भी आह मत कहिए, जब भी कहिए तो वाह कहिए। चलो देखो मैं बता दूं होता क्या है, आह और वाह का जिंदगी में फर्क क्या आता है। आप भोजन करने बैठे और देखा दाल में भी नमक नहीं, सब्जी से कौन, अरे यार उसमें भी, दरअसल आजकल महिलाएं बातें मोबाइल पर करती है, खाना गैस के चूल्हे पर बनता है, अब पता ही नहीं लगता नमक खीर में गया कि सब्जी में गया, ये सब तो होता ही रहता है, ठीक है। अब खाना बन गया, सब्जी भी फीकी, दाल भी फीकी, तब आपके मुंह से खाने लगा, ओहो कैसा खाना बनाया है, अरे 40 साल हो गए इसको और खाना बनाना नहीं आता। आपका मूड भी ऑफ हो जाएगा, जैसे आप कहते हैं ऑफ, और ऑफ कहते ही मूड ऑफ हो जाएगा। आज से काम कीजिएगा, जब जब लगे आज सब्जी में नमक नहीं है तो याद रखो आज क्या तिथि है, आज चतुर्दशी है, मुझे तो एम्बिल करना चाहिए था, मैंने एम्बिल नहीं किया। चलो मेरी पत्नी ने एक काम तो कर ही दिया कि नमक नहीं डाला, चलो 20% एम्बिल तो हो गया, वाह मजा। जब जब आप जिंदगी में आह कहेंगे तब तब जिंदगी भार खुद बन जाएगी, और जब जब जिंदगी में वाह कहेंगे तब तब जिंदगी मीठी मधुर बन जाएगी। आपको लगता है ना आपकी पत्नी बहुत गुस्सैल है, लगता है ना आह आह कहकर जिंदगी को भारी बन गई, भारी हो गई घड़ी गुस्सैल, भारी हो गई जिनकी पत्नी गुस्सैल। Thank you.
मस्ती आती है। अभी अपन भी यहाँ लोच करेंगे, हम सभी मुरीजन लोच करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हर कोई मुस्कुराता है। अरे मैं आपको क्या बताऊं,